क्रशर लगाया हुआ आप देख सकते हैं, शुगर केन को छीलने का क्रशर है। इससे आप गन्ने को साफ कर सकते हो, जैसे गन्ना काला या कुछ खराब रहता है तो आप इसको सफाई कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको सफाई करके दिखाऊंगा, वीडियो को जरा यूं लाइए, आप देख सकते हैं वेलक्रोबल है, ऊपर नीचे गन्ने के साइज के हिसाब से अप डाउन होगा, वेलक्रो होगा, आप देख सकते हैं। इसको हम अभी गन्ना डालेंगे इसमें, आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से इसका क्रशिंग होता है, आप देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, आधा गन्ना देखिए पूरा साफ हो गया है, और आधा गन्ना देखिए दोस्तों, ये पूरा गन्ना है आप देख सकते हैं, जो हमने आधा साफ किया ये आधा, और ये देख सकते हैं पूरा कितना फर्क हो जाता है इसको क्रशिंग करने से, आप देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो मोटोराइज्ड क्रशिंग मशीन आती है दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉल्फिन अप्लायंस चैनल, आप सभी का खूब खूब स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो स्पेशली शुगर कैन मशीन बैटरी ऑपरेटेड मॉडल विदाउट पावर से चलने वाली मशीन 2022 की सबसे लेटेस्ट मशीन की वीडियो लेके आया हूं आपके सामने। दोस्तों ये बिजनेस करके रोजाना 5 से 7 हजार रुपए का इरन नेट प्रॉफिट कर सकते हो बिजनेस से। पूरी मशीन ऑटोमेटिक है, स्टेनलेस स्टील से बनाई है, वन टाइम क्रशिंग है दोस्तों। तो इस तरीके की बेहतरीन क्वालिटी की मशीन की ज्यादा जानकारी के लिए वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक देखिए, जिससे आपको नॉलेज मिले कैसे बिजनेस करना चाहिए, कितना प्रॉफिट मिलता है, और मशीन में खासियत क्या क्या होती है। सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों, हमारी नॉन इलेक्ट्रिक सोडा मशीन बैटरी ऑपरेटेड ओनली मशीन है। इसको कोई भी काउंटर, शॉप एरिया, टेबल टॉप कहीं पे भी लग के अपना रोजाना बिजनेस कर सकते हो। वन टाइम क्रशिंग, एक ही बार गन्ना डालना है, वन टाइम में 97% क्रश करके मशीन निकालेगी दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ये पूरा हमारा कार्ट है, नॉन इलेक्ट्रिक कार्ट, हेवी ड्यूटी व्हील वाला, आप देख सकते हैं पूरा व्हील इसका। ये मशीन को आप 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर दूरी पे ले जाके बिजनेस कर सकते हो। पूरा हेवी ड्यूटी कार्ट है, इसके अंदर स्टोरेज दिया गया है, फिर उसके अंदर आपको वेस्टेज बॉक्स दिया गया है, प्लस यहाँ पे ऑरेंज मौसम्बी के लिए जूस मशीन दिया गया है, प्लस यहाँ पे आइस बॉक्स दिया गया है, आइस पेटी दिया गया है दोस्तों। इसके अंदर से आप बर्फ या कुछ भी रख सकते हो, किसी को ठंडा पीना है तो ऊपर से चील डाल के दे सकते हो। मशीन वन सेटअप मशीन है, मशीन के अंदर बैटरी ऑलरेडी लगाया हुआ है दोस्तों। मशीन को फुल चार्ज करने से आपको 4 से 5 घंटे का बैकअप मिलता है। बड़ा बैटरी लगाने से 12 से 15 घंटे तक भी मशीन चल सकती है दोस्तों। मशीन के साथ इसका मशीन का चार्जर भी आता है दोस्तों, ये चार्जर है, चार्जर लगा के इसको आप 5 से 6 घंटे में बैटरी फुल चार्ज भी कर सकते हो दोस्तों। मशीन को दोस्तों पूरी पीछे से आगे से सब जगह से पैक की गई है, कहीं पे भी कोई दिखेगा नहीं, कुछ कचरा कहां पे जाता है, कहां चला जाता है, कोई चीज दिखेगा नहीं दोस्तों। दोस्तों मैं आपको मशीन को वर्किंग ऑपरेट करके बताता हूं कैसे चलती है। यहां पे इसका बॉक्स है, यहां पे आप देख सकते हैं, ये यहां पे डस्टबिन भी दिया है, डस्टबिन है पूरा इसका, आप देख सकते हैं। प्लस यहाँ पे आप स्टोरेज 50-100 किलो गन्ने का पीसेस बना के भी इसके अंदर रख सकते हो। जैसे कि अभी हमारे पास ये गन्ना है, आप देख सकते हैं हमने शुगर केन लिया हुआ है। अभी ये शुगर केन, एक साथ हम 2 शुगर केन लेंगे इसके अंदर से, और बहुत ही हेवी शुगर केन है, कोई ऐसा पतला शुगर केन हमने नहीं लिया कि मशीन को हम दिखाया ना जाए कि इसके अंदर छोटी गन्ना डाल के मशीन चलती है, बड़ा गन्ना डाल के रुक जाती है, इसलिए हमने हेवी गन्ना पहले से लिया है। मशीन के साथ यहाँ पे हमने क्रशर लगाया हुआ, आप देख सकते हैं, शुगर केन को छीलने का क्रशर है। इससे आप गन्ने को साफ कर सकते हो, जैसे गन्ना काला या कुछ खराब रहता है तो आप इसको सफाई कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको सफाई करके दिखाऊंगा, वीडियो को जरा यूं लाइए, आप देख सकते हैं वेलक्रोबल है, ऊपर नीचे गन्ने के साइज के हिसाब से अप डाउन होगा, वेलक्रो होगा, आप देख सकते हैं। इसको हम अभी गन्ना डालेंगे इसमें, आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से इसका क्रशिंग होता है, आप देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, आधा गन्ना देखिए पूरा साफ हो गया है, और आधा गन्ना देखिए दोस्तों, ये पूरा गन्ना है, आप देख सकते हैं, जो हमने आधा साफ किया है आधा, और ये देख सकते हैं पूरा कितना फर्क हो जाता है इसको क्रशिंग करने से, आप देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे,
जो मोटोराइजेड क्रशिंग मशीन आती है दोस्तों, उसमें ब्रश डाला रहता है, तार वाला ब्रश डाला रहता है, वो घिसने से गन्ने के साथ वो तार साथ में आ जाते हैं, कई तार छोटे छोटे बारीक टूट के गन्ने के साथ लग जाते हैं, इसलिए वो पीने में पॉइजन आता है, पीने वाले आदमी को भी वो तार आ सकता है उसके अंदर, इसलिए वो मशीन हम नहीं रखते दोस्तों। ये मशीन क्रशिंग करने से इसको आसानी से आपके नजर के सामने ब्लेड से क्रशिंग होती है। आप देखिए जो मशीन क्रशिंग वाली आती है उसमें डाल के आपने साफ सफाई किया, ऐसा क्रशर मशीन आता है उसमें तार वाला ब्रश डाला रहता है, वो ब्रश से गन्ने के साथ छोटे छोटे तार आ जाते हैं अंदर, या तो चिपक जाते हैं या घुस जाते हैं उसके अंदर, तो उससे पीने वाले लोग के पेट में जाएगा तो नुकसान करेगा दोस्तों, इसलिए वो हम नहीं रखते वो चीज। और मशीन में यहां से स्टार्ट करके अभी गन्ना इसके अंदर लगा के आपके दूंगा, ये मशीन का बटन, यहां से मशीन स्टार्ट होगी, ये मशीन स्टार्ट हो चुकी है आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मशीन में कितना चार्जिंग है वो शो कर रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना परसेंट आपकी मशीन में ऑलरेडी चार्ज है ये बताएंगे। उसके अंदर अगर आपको दोस्तों नींबू का या अदरक का टेस्ट डालना है, जैसे कि कोई कस्टमर अदरक वाला जूस पीना चाहता है तो ये अदरक है उसका, अदरक वाला चाहता है तो पहले आपको इसमें अदरक लगा देना है, जैसे कि हम इसमें पहले अदरक लगा देंगे, आप देख सकते हैं हम इसमें अदरक लगा देंगे, लगा दिया हमने अदरक, अदरक भी चला गया साथ में पीसिंग होने के लिए चला गया है, कितनी आसानी से गन्ना ले रहा है आप देख सकते हैं दोस्तों, जरा भी लोड नहीं गिर रहा है और हैवी ड्यूटी गन्ना है, वो आसानी से जा रहा है उसके अंदर। उसके बाद कोई कस्टमर ये भी गन्ना हमने लिया, उसके बाद कोई कस्टमर दूसरा भी मांगता है तो उसको आप बना के दे सकते हो दोस्तों। अभी हम मशीन को बंद करके आपको झूस निकाल के बताएंगे कैसे झूस निकलता है इसमें से। ये गन्ने का जूस एकदम ग्रीन कलर का निकलेगा इसमें से, आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का जूस निकला इसमें से। ये गन्ने के अंदर देख सकते हैं दोस्तों कितना सारा जूस निकला इसके अंदर से, आप देख सकते हैं एक गिलास के ऊपर भी भर गया है जूस इसमें। अभी हमने डाला आपके सामने एक ही गन्ना डाला इसके अंदर, एकदम ग्रीन और फ्रेश कलर का जूस निकला इसके अंदर से। हमने जूस निकाल के आपको बताया और जो गन्ना हमने डाला वो पीछे की तरफ चला गया, उसका वेस्टेज सीधा नीचे डस्टबिन में आ गया, तो मैं आपको डस्टबिन खोल के भी बताऊंगा दोस्तों। ये आप देख सकते हैं डस्टबिन इसका, इसका डस्टबिन है, आपको भी मालूम होना चाहिए कि मशीन कितना क्रशिंग करती है इसके अंदर दोस्तों, इसे बोलने से हम नहीं आपको बता के दिखाएंगे इसके अंदर। आप देख सकते हैं पूरा ये इसका कचड़ा है, आप देखिए पूरा कचड़ा है इसका, थोड़ा झूम करके बताइए, आप देखिए एक बूंद झूस नहीं है इसका, पूरा बिखर गया है, दोबारा कैसे डालेंगे इसको आप, दोबारा डालने लायक ही नहीं है, वन टाइम में 97% क्रशिंग हो चुका है दोस्तों इसके अंदर। तो दोस्तों बेहतरीन क्वालिटी की मशीनें आज की तारीख में न्यू 2022 एडवांस डिजिटल फंक्शन है इसके अंदर, एडवांस सिस्टम दिया गया है मशीनों के अंदर, हैवी ड्यूटी व्हील्स डाले, टोटली स्टेनलेस स्टील से मशीन बनाई है। अगर आपको इसको दुकान में रखना है तो ये छत्ता भी आप निकाल सकते हो, फोल्डिंग है, चार बोल्ट खोल के छत्ता बाहर आ जाएगा दोस्तों, अगर छत्ता लगाना है तो बोल्ट खोल के छत्ता लगा सकते हो, पूरी मशीन फोल्डिंग है, वन सेटम वन यूनिट मशीन है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह का बेहतरीन क्वालिटी का मशीन लेने के लिए दोस्तों डॉल्फिन अप्लायंस में एक बार जरूर कॉन्टेक्ट कीजिए। हमारी कंपनी डॉल्फिन अप्लायंस बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट बनाते हैं, अगर आपको चिलिंग सिस्टम वाला सुगर केन मशीन चाहिए तो भी मिलता है, अगर आपको खाली इलेक्ट्रिक मशीन चाहिए तो भी मिलता है, हैंड ऑपरेट वाला सुगर केन चाहिए तो भी मिलता है, फिर आइसक्रीम मशीन है, सोडा मशीन है, सोडा बोटल फिलिंग प्लांट है, तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स में हम डील करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह की बेहतरीन क्वालिटी की मशीनों के लिए डॉल्फिन अप्लायंस में एक बार जरूर कॉन्टेक्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग और वीडियो।